साथियों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल। साथियों आज हम बात करने वाले अध्यापक भर्ती 2023 को, ठीक है। आज हम आपको स्पष्ट बताएंगे कितने नंबर कट ऑफ रहने वाली है, प्रोविजन लिस्ट कब तक आने की संभावना है, ठीक है, और स्पॉट वाले हैं उनका क्या होना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनको स्कूल मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। जिला आवंटन होने में कितना समय लगेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले, ठीक है। एंड तक बने रहिए ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकें, ठीक है। और शेष प्रोविजन लिस्ट रिजल्ट कब तक आने की संभावना, ठीक है। और प्रोविजन लिस्ट में कट ऑफ से कम वाले का क्या होगा, रिक्त पदों में रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग की फाइलें ECI पहुंच चुकी है, ठीक है, ECI तक पहुंच गई है। अब आपको कितना समय लगेगा, जैसे कि आप जानते हैं अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग है उनकी अनुमति लेनी होगी। जैसे ही उनकी अनुमति मिलेगी आपका जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही जो आपकी रिजल्ट आना है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जिनको स्कूल मिल गए लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो रिक्त पद रखे गए जिनका परिणाम आना बाकी है उनका परिणाम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्पॉट वाले हैं उनका क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दूँ इतने दिन जो कार्य था आचार संहिता की वजह से रुका हुआ, अब लगभग 5 से 7 दिन के अंदर अंदर सारा कार्य हो जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव आयोग से अनुमति मिलनी बाकी है। जैसे ही अनुमति मिलेगी आपका कार्य आगे का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ECI तक फाइल पहुंच चुकी है, ठीक है। अब चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद आगे का जो रिजल्ट वगैरह आपका आना है वो जल्द से जल्द आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बार रिसिप्ट रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अभी आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ कि आपको 5 से 4 या 5 दिन का वेट और करना होगा। जो भी आपकी सब्जेक्ट वाइज जो भी लिस्ट छुपी हुई है, ठीक है, प्रोविजन के अंदर जो डाले गए स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट जारी होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आई वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम, जय हिंद।